हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये जो आप पीछे गाड़ी देख रहे हैं, ये है हीरो की डेस्टिनी 125 BS6, जो कि अब आपके नियरेस्ट शोरूम में आ चुकी है। इस वीडियो में दोस्तों, मैं सिर्फ इसके फीचर्स की बात करूंगा, जो कि नए चेंजेस हुए हैं BS4 और BS6 में, क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस वीडियो में, सिर्फ उसी की बात मैं करूँगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हीरो डेस्टिनी BS6, डेस्टिनी 125 BS6। और ये जो हम आज कलर की बात कर रहे हैं, ये रेड कलर की जो है हम बात कर रहे हैं। अगर दोस्तों फ्रंट से देखें तो कुछ इस प्रकार का व्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये आप देख सकते हैं 3D ब्रांडिंग है हीरो की, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है। और अगर इसमें दोस्तों फ्रंट में चेंजेस की अगर बात करें, तो इसमें LED आपको मिल जाता है, वो आपको मैं चालू करके दिखाऊँगा। इसमें दोस्तों आपको टोटल 2 वेरियंट मिलते हैं। ये जो वेरियंट है, ये LX वाला वेरियंट है, हीरो डेस्टिनी 125 का LX वाला वेरिएंट है। इसमें एक VX वेरिएंट में आता है, वो आपको इसमें मिलता है अलॉय व्हील। इसमें आपको मिल, जो आज हम बात कर रहे हैं, वो स्टील व्हील की हम यहाँ पे आपको बात कर रहे हैं। अगर दोस्तों फ्रंट से देखें तो इस प्रकार का कुछ व्यू मिलता है। इसमें I3S टेक्नोलॉजी के साथ आता है, मतलब ये आपको आगे पीछे ड्यूअल इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ये आपको मिलती है। अगर आप फ्रंट में ब्रेक प्रेस करेंगे तो रियर में भी कुछ परसेंट ब्रेक आपको यहाँ पर लग जाता है। अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट आपको मिलता है टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन, फ्रंट में आपको मिल जाता है। फ्रंट में आपको मिलता है जो 10 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको फ्रंट में मिलता है। और कुछ इस प्रकार का साइड से व्यू आपको देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ इंडिकेटर से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और सिल्वर कलर का जो टेलीस्कोपिक फॉर्क आपको मिलता है, I3S यहाँ पर लिखा हुआ है मिलता है। और सबसे बड़ा चेंज है दोस्तों, इसमें मिलता है आपको प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, ये आप देख सकते हैं। और अगर जो VX वाला वेरिएंट है दोस्तों, इसमें आपको एक क्रोम कलर का मिल जाता है, इसमें ये आपको सिल्वर कलर का फिनिश आपको मिलता है। और ये फ्रंट से कुछ इस प्रकार का व्यू आप देख सकते हैं। अगर आप चलें साइड से तो साइड में आप देख सकते हैं सफिशिएंट लेग स्पेस यहाँ पे मिलता है, यहाँ सामान रखने के लिए, जो कि इंडियन का बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये स्लाइड हो जाता है। तो इस प्रकार का हुक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और एक हुक यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है सामान रखने के लिए। और ये आपका जो की पोजीशन है, आप इसके हेल्प से आपको सीट भी ओपन हो जाएगा। और आप इसमें एक्सटर्नल फ्यूल लीड भी आपको यहाँ पे मिलता है। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ, तो कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको मिलता है। इस हीरो डेस्टिनी में आपको 11% ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, और साथ साथ 10% बेटर एक्सेलरेशन मिलेगा, ऐसा हीरो का मानना है। तो फ्रेंड्स, आइए जाइए अपने नियरेस्ट शोरूम में, इसका टेस्ट ड्राइव लीजिए। आपको इसका कितना माइलेज मिल रहा है, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में आप जा करके कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में चेंजेस की बात करें, तो यहाँ पे आपको इंजन माल फंक्शन इंडिकेटर मिल जाता है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यही सबसे बड़ा चेंज है, इसमें आपका इंजन में कोई प्रॉब्लम आएगा तो ये आपका ब्लिंक करेगा। साइड स्टैंड इंडिकेटर है, और इंडिकेटर का बटन यहाँ पर आपको देख सकते हैं। और ट्रिप मीटर है, ये आपको फ्यूल मीटर भी है, ये डिजिटल टाइप का है, एनालॉग टाइप का स्पीडोमीटर यहाँ पे आपको मिलता है हीरो के ब्रांडिंग के साथ। ये आपके पास का बटन जो है यहाँ पे आपको दिया गया है, साथ साथ आपको हाई और लो बीम का स्विच है, इंडिकेटर, हॉर्न, और ये आइडल स्टार्ट सिस्टम के साथ ये गाड़ी आपको मिलती है। मतलब जैसे आप सिग्नल में खड़े रहेंगे तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। और ये आपका सेल्फ स्टार्ट का बटन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये रहा पीछे से व्यू। सीट्स जो है दोस्तों, काफ़ी वाइड है, कंफर्टेबल है। और अगर इसका जो VX वाला जो वेरिएंट आता है, उसमें आपको ड्यूअल टोन सीट आपको मिलती है। और ये आपका देख सकते हैं ग्रैब रेल काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रैब रेल आपको यहाँ पे मिलता है। और साइड से कुछ देखेंगे तो ये डेस्टिनी आपको 3D लोगो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, डेस्टिनी 125 लिखा हुआ यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगर दोस्तों इसके इंजन की बात करें, 124 CC का इंजन आपको इसमें मिलता है, जिसका पावर आपको मिलता है 9 BHP का पावर आपको यहाँ पे मिलता है। और टॉर्क की बात करें तो 10.5 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क यहाँ पे आपको इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों, ये आपको मैं एक्सटर्नल फ्यूल लीड आपको मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। और रियर से कुछ इस प्रकार का व्यू आप देख सकते हैं। ये अगेन यहाँ पर फ्यूल लीड के ऊपर हीरो की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर हीरो का ब्रांडिंग यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। और दोस्तों, पीछे से कुछ ऐसा कोई विशेष चेंजेस नहीं है। रियर में भी आपको मिल जाते हैं 10 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको रियर सेक्शन में मिलते हैं। ये सर्कुलर बॉक्स एग्जॉस्ट मिलता है क्रोम मफलर के साथ, ब्लैकआउट एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार का व्यू आप देख सकते हैं रियर से। तो
दोस्तों ये रहा हीरो डेस्टिनी 125। अगर कलर्स की बात करें तो टोटल आपको इसमें 6 कलर्स मिल जाते हैं। तो आप अपने नियरेस्ट शोरूम में जाइए, इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लीजिए और आप बताइए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 65,600 रुपीज़ और ये सिटी टू सिटी का प्राइस वेरी कर जाता है। इसका जो प्राइस है दोस्तों लगभग VS4 के कंपैरिजन में लगभग 3,500 से 4,500 रुपये का प्राइस आपको इसमें बढ़ा हुआ मिल जाता है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमको बताइए और